नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन संसद में वही हुआ जिसका अंदेशा था। दोनों सदनों में दिल्ली दंगों पर कोई धीर गंभीर चर्चा होने के बजाय जमकर हल्ला हंगामा हुआ। चूंकि जोर हंगामा मचाने पर ही था, इसलिए हैरत नहीं कि पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच हाथापाई होते होते बची। यह तो गनीमत रही कि हाथापाई की नौबत आने पर संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती रही, अन्यथा वहां मारपीट भी हो सकती थी। समझना कठिन है कि जब सरकार दिल्ली दंगों पर चर्चा करने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सहमत थी, तब फिर विपक्ष ने नारेबाजी करना जरूरी क्यों समझा? कहीं इसलिए तो नहीं कि दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए वह भी जिम्मेदार हैं? आखिर यह किससे छिपा है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ लोगों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कसर नहीं उठा रखी? यह राजनीतिक बेशर्मी के अलावा और कुछ नहीं कि CAA के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले विपक्षी नेता CAA के समर्थन में ऐसे ही बयान देने वाले सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में दंगा किसी धार्मिक मसले पर नहीं बल्कि CAA रूपी राजनीतिक मसले पर हुआ। इस मसले पर विपक्षी दलों के साथ साथ वामपंथी बुद्धिजीवियों ने जैसा विश्वमन किया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। CAA का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं, फिर भी विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस ने दुष्प्रचार का सहारा लेकर यह माहौल बनाया कि यह देश के मुसलमानों के खिलाफ है। अब तो यह भी साबित हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय को भड़काने के साथ ही उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के दिल्ली आगमन के अवसर पर सड़कों पर उतारने की सुनियोजित साजिश रची गई, ताकि केंद्रीय सत्ता को असहज करने के साथ ही दुनिया को यह दिखाया जा सके कि CAA ने भारत में किस तरह उबाल पैदा कर दिया है। किसी को इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान दिल्ली में हुए दंगे उस कुत्सित राजनीति का ही नतीजा है जिसके आयोजन और प्रायोजक हमारे अपने विपक्षी दल थे। ये दल अभी भी ऐसा रवैया अपनाए हुए हैं जैसे उन्हें शरणार्थियों से ज्यादा चिंता घुसपैठियों की है। चूंकि वे अब भी आग से खेल रहे हैं, इसलिए उन्हें वैसे ही बेनकाब किया जाना चाहिए जैसे दिल्ली के दंगों के गुनहगारों को। इससे इनकार नहीं कि पुलिस दिल्ली के बिगड़ते हालात को भांप नहीं सकी और सरकार भी समय रहते सक्रियता का परिचय नहीं दे पाई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि विपक्षी दल दूध के धुले हैं। वास्तव में उनकी ही लगाई गई आग से दिल्ली जली। कानून और न्याय प्रणाली लगातार मजाक बनती जा रही है। दिल्ली में हुए निर्भया कांड में दोषियों की लगातार टलती फांसी ने लोगों का विश्वास डिगा दिया है। कोर्ट और सरकारी तंत्र को ध्यान देना होगा कि जनता में आक्रोश और धिक्कार का भाव बढ़ता जा रहा है। न्याय में देरी अन्याय से बदतर है। बेहतर हो कि दरिंदों को जल्द दंड मिले। मध्य प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था बहुत दयनीय है। हाल ही में शासन ने 5वीं-8वीं की परीक्षाएं पुनः बोर्ड पैटर्न पर कराने का निर्णय लिया है, किंतु इससे शिक्षण व्यवस्था कैसे सुधरेगी? पहले शिक्षा की गुणवत्ता मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार फ्री की तमाम योजनाएं बंद कर शिक्षा पर ध्यान दे, अन्यथा भविष्य अंधकारमय है। मध्य प्रदेश कुपोषण में अव्वल है। इसके बावजूद राज्य सरकार केंद्र द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए भेजी गई धनराशि का उपयोग नहीं कर पा रही है। यह अत्यंत चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने कुपोषित बच्चों के लिए बीते 3 सालों में 378.44 करोड़ रुपए दिए, 2017-18 में 40.67 करोड़, 2018-19 में 158.94 करोड़ और 2019-20 में 178.83 करोड़, किंतु इन 3 सालों में प्रदेश में केवल 124.04 करोड़ ही खर्च हुआ। 254 करोड़ रुपए का तो कोई उपयोग ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे मिटेगा कुपोषण? अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी हैं जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल,
कलम आज उनकी जय वो। नमस्कार।